हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा मेरे चैनल को। इस चैनल पे मैं आपको एसएससी से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, आरटीआर रिप्लाई हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, सबसे पहले दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं जो टैक्स असिस्टेंट है आपका सीबीटीडी डिपार्टमेंट में, आपका उसकी इन हैंड सैलरी कितनी है। जब आप फर्स्ट इनिशियल जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है। तो ये बिल्कुल आपकी जो लेटेस्ट है, एक तरीके से लेटेस्ट ही है ये सैलरी। तो कितनी आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है YCT के लिए, बहुत अच्छी सैलरी जो है वो हो गई है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स असिस्टेंट की भी काफ़ी अच्छी सैलरी हो गई है, ये YCT के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, DA जो है वो आपका 34% मिला है, ठीक है। अब ये बढ़कर 34% हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक जो है वो 25,500 है। तो 25,500 यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो 2400 ग्रेड पे की जॉब्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग से बेसिक मिलता है फर्स्ट ईयर से, तो वो 25,500 होता है जब इनिशियल आप ज्वाइनिंग करते हो। उसके बाद DA आपका 34% है। HRA जो है वो आपका यहाँ पे कितना है, 18% HRA जो है वो मिला हुआ है। ZCT के लिए है ये 9%, YCT के लिए 18%, और आपका XCT के लिए जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सारे सिटीज़ के लिए आपका है 27%। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2,412, तो ये आपका टोटल इमोल्यूमेंट हो गया 41,172 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कुछ टैक्सेस कटे हैं। इसमें से जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो है इनकम टैक्स, CGHS, ये वो आपका हेल्थ स्कीम से रिलेटेड है, तो ये 250 रुपये आपका कटता है। उसके बाद ऊपर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये, और इनकम टैक्स 96, हेल्थ एजुकेशन में 4 रुपये का सेस कटा हुआ है। तो ये कुछ आपकी डिडक्शन रिफंड नहीं होगी, लेकिन ये जो NPS है, ये बेसिक प्लस डियरेंस अलाउंस का आपको 10% जो है वो यहाँ पे काटा हुआ है, प्लस 14% जो है वो ये बेसिक प्लस DA का, बेसिक ये जो 25,500 प्लस DA 8,670, इन दोनों का 14% गवर्नमेंट आपके NPS अकाउंट में डालती है। तो ये आपका ओवरऑल कह लो कि 24% आपका अकाउंट में NPS आता है पर मंथ। और NPS की न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग लास्ट में जितना आपको रिटायरमेंट पे जितना भी मिलता है लंपशंप होके, लेकिन ये शेयर मार्केट के हिसाब से मिलेगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये आपका जो नेट इन हैंड सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी डिडक्शन करके 37,375 रुपये नेट इन हैंड सैलरी है आपकी YCT के लिए। और ZCT के लिए बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, ये फर्स्ट ईयर की है। सेकंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, बेसिक जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं कि आपकी अगले साल से कितनी सैलरी होनी शुरू हो जाएगी, तो ये आपको लेवल सेकंड पे पहुंच जाओगे आप, और ये 26,300 आपकी उस टाइम पे बेसिक होगी। फिर आगे अपने आप निकाल सकते हो आप, 34% DA हो गया, DA भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।